हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है टूटी फ्रूटी की। तो आइए मैं बताती हूँ मैं किस तरह से बनाऊँगी। तो ये मैंने कुछ ले ली है, तरबूज जो होता है उसके बक्कल जो होते हैं वाइट वाला, उनको इस तरह से काट लिया है, ये देखिए। और उसको इस तरह से छोटे छोटे हमने पीस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने उसे तीन जगह बांटा है, क्योंकि हम इसे तीन कलर में बनाएंगे आज। तो आइए मैं बताती हूँ मैं किस तरह से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ले लिया एक पैन, मैं इसमें डालूंगी पानी और कलर। फ्रेंड्स, ये हमारे मेरे एक कप से थोड़े से ज़्यादा हैं जो ये मैंने तरबूज के पीस काटे हैं। तो अब मैं डालूंगी इसमें आधा गिलास पानी और इसको बॉईल कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, साथ में ही मैं डालूंगी इसमें रेड फूड कलर, थोड़ा डार्क करें। आप जिस तरह से लाइट या डार्क बनाना चाहें उस तरह से आप बनाएं। तो फ्रेंड्स, एक कप टूटी फूटी बनाने के हमें कम से कम 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें चीनी। आप जैसा चाहें मीठा ज़्यादा या कम, लाइट उस तरह से डालें। तो ये देखिए अभी बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये अपने पीसेस। तो देखिए ये डाल दिए हमने। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको इतना पकाना है कि बस ये थोड़ा गल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसका पानी जो है इसको छान लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार है, अब इसके हम छान लेंगे चलिए में। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसको छान लिया है बिल्कुल। अब इसे बिल्कुल छान कर कुछ देर 5 मिनट में इस तरह से रखूंगी और फिर इसे प्लेट में रखेंगे। तो कुछ देर हम इसको इस तरह से ही रखेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अगेन फिर हम पानी डालेंगे इसमें, ये देखिए। और उसमें कलर डालेंगे हम ग्रीन कलर। देखिए पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कलर और वही हम 3 चम्मच डालेंगे चीनी, 3 टीस्पून यानी 3 टीस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पीसेस। ये देखिए इस तरह से। इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे कि ये बस थोड़ा गल जाए। इसको बिल्कुल हमें हलवा नहीं करना कि बिल्कुल बारीक ज़्यादा गल जाए, तो थोड़ा इस तरह से कि यहाँ गल जाए, इस तरह हमें इसको पकाना है। ज़्यादा अगर हम इसको गलाएंगे तो ये हलवा सी हो जाएंगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे बहुत काम आती हैं। जैसे हम कोई मीठी डिश बनाते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, केक बनाएं या कोई और चीज़ बनाएं उसमें ये ऐड आसानी से ऐड हो जाती है। ज़र्दा बनाएं आप तो उसमें अच्छी भी लगती हैं, और आप इसे घर में बनाएंगे तो ये और ज़्यादा बढ़िया रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो आप इस तरह से घर पर बनाएं।
फ्रेंड देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, फिर भी हम इसे चलनी में डालेंगे ताकि इसका जो भी पन वो होगा रस थोड़ा वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल मैंने चलनी में रख लिया है 5 मिनट के लिए ताकि इसका जो जूस हो कुछ भी हो बिल्कुल वो हो जाए, ड्राई हो जाए। फिर हम इसे बर्तन में करेंगे। तो फ्रेंड्स वंस अगेन हम फिर पानी डालेंगे इसमें आधा गिलास, ये देखिए इस तरह से। और अब हम जो येलो बनाने जा रहे हैं तो आपके पास येलो फूड कलर हो तो आप वो डालें, अगर ना हो तो आप हल्दी से ही बना सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे हल्दी। हमने ये आप देख रहे हैं स्पून, इसको भी हाफ से भी कम हमने ये हल्दी ली है और इसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। और वही 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें शुगर, 1, 2 एंड 3। देखिए बॉयल हो चुका है अच्छी तरह पानी और हम सही करके ये उबालेंगे ताकि इसका हल्दी का जो स्मेल आती है वो निकल जाए। तो हो गया अच्छी तरह, तो हम डालेंगे फ्रेंड्स यही अपने पीसेस। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके खूबसूरत कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हौसला मिलता है मुझे वीडियो बनाने का। तो आप इस तरह से मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें, बताइए आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखिए हम इसको बनाएंगे, जब तक ये हम बता रही हूँ गल जाए। देखिए बिल्कुल इस पर एक कनी मतलब एक थोड़े से ये इस तरह से रहेंगे टाइट से, इतने हमें इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर ज़रूर इस तरह से ट्राई करें, बाहर से मंगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने घर में ही तैयार करें। आप इससे चाहे तरबूज से मैंने बनाया, आप चाहे तो इसे कच्चे पपीते से ही बना सकती हैं, वो भी बहुत टेस्टी और इसी तरह से बनेंगे। तो फ्रेंड देखिए देखिए फ्रेंड्स सेम इसी प्रोसेस पे हमें इसी तरह से इसको चलनी में रखेंगे। तो ये रेडी है। तो फ्रेंड देखिए माशाल्लाह 3 कलर की मेरी ये बन गई टूटी फ्रूटी जो मैंने बनाई है तरबूज से। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू रेसिपी मैं फिर लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।